भी बताते हैं आपको, दयालपुर के मदरसे को लेकर और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि कई लोग मदरसे से अपने बच्चों को वापस ले गए। टाइम्स नाम नव भारत पर एक महिला ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वो कह रही है कि अगर मेरा बेटा इस मदरसे में रहता तो मर जाता। महिला ने मदरसे को लेकर जो बातें बताई वो चौंकाने वाली है। महिला ने मदरसे के मौलानाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। मैडम, आप ही के बच्चे इसमें पढ़ते थे? जी, ये रहा मेरा बच्चा। आपने ले लिया बच्चों को अपने? हाँ, मैंने ले लिया, बहुत पहले ले लिया। अच्छा हुआ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, मेरा बच्चा पहले ही निकल गया। वरना मेरा बच्चा हाथ से निकल जाता अगर यहाँ रहता तो। इस हालत में गया मेरा बच्चा कि मेरा अगर एक हफ्ते रुक जाता ना तो शायद मैं इसकी बॉडी लेके जाती यहाँ से। ऐसा बच्चा गया मेरा यहाँ से। क्या हुआ था बच्चे को? क्या हुआ था, इसको बुखार था, इसके बारी बारी बदन पर दाने थे। तो इनको मतलब ये बताओ, फोन करना था नहीं करना था कि आपका बच्चा बीमार, ले जाओ। इन्होंने कोई कॉल नहीं करा हुआ। अचानक से हम ही खुद ही बच्चे के लिए कुछ पढ़ा के लाए थे। मैंने कहा चलो मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ये रोने लगा, पापा मुझे लेके चलो, मुझे चाय एक दिन के लेके चलो। इसके पापा ने इसकी हालत देखी, कह रहे इसकी हालत देख कितनी बुरी हो रही है, इनका फर्ज नहीं बनता था फोन करने का। इस पर तरस खा के हम खुद ले गए। एक डेढ़ घंटा हमने इनसे बहस करी, उसके बाद भी हमारा बच्चा नहीं दे रहे थे। ये दो तीन घंटे यहाँ खराब करने के बाद सिर्फ यहाँ पे ऑफिस में टाले चले जा रहे थे कि हाँ अब आएंगे, जब आएंगे। दो तीन घंटे इंतजार करने के बाद मैं अपना बच्चा यहाँ से लेके गई हूँ, जबरदस्ती खुद लेके गई हूँ मैं, नहीं तो ये बच्चा मुझे मेरा नहीं दे रहे थे। अंदर हालात ठीक नहीं है बच्चों के? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए मौलाना के खिलाफ। और एक ही नहीं, उस दिन बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी, मगर उस दिन कोई सा भी ना बाप ना बेटा यहाँ हाजिर नहीं हुआ ऑफिस में। बहुत सारे लोग उनकी कंप्लेंट लेने के आए हुए थे। और एक और आई हुई थी, उसका भी बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था, कम से कम डेढ़ महीने से, वो भी लेके गई, मैं भी लेके गई अपने बच्चों को। देखिए, एक माँ है जो बता रही है कि इनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए बिल्कुल यही इतने इसके बिल्कुल पतले पतले, ये तो अब बहुत मोटा समझ लो इसको। एक हफ्ते बाद मेरे हाथ में नहीं आता मेरा बच्चा, अगर मैं यहाँ छोड़ती तो इसे। बिल्कुल, ये छोटा बच्चा है समझिए, इसी मदरसे में पढ़ता था। और इनकी माँ बता रही है कि क्या स्थिति हो गई थी इस बच्चे की जब इस मदरसे में था। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और मदरसे से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी इस बच्चे के बारे में कि इसकी तबीयत खराब है। और परिवार वालों को ऐसे वक्त पे बताया भी नहीं गया था। जो मौलाना है, जो संचालक है इस मदरसे के, उन्होंने किसी तरीके से इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये देखिए परिवार वाले बता रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मदरसे के अंदर जो बच्चे हैं उनके हालात किस तरीके से थे। इन्होंने अब अपने बच्चे को निकाल लिया है, अपने बच्चे को लेके जा रही है, लेकिन अभी भी कई बच्चे हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं।